हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं हम कि एक्स पार्टी डाइवोर्स कैसे लिया जाता है, एक तरफा डाइवोर्स कैसे हो सकता है। देखिए, डाइवोर्स का क्या प्रोसीजर है, पहले हम पिटीशन फाइल करते हैं। मान लीजिए म्यूचुअल कंसेंट का केस है तो जॉइंट पिटीशन फाइल होती है, और अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स है, अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो कंटेस्टेड डाइवोर्स कहलाता है वो, तो उसमें हम प्लेंट फाइल करते हैं। जॉइंट पिटीशन जो फाइल करते हैं म्यूचुअल कंसेंट में, उसमें सारे इश्यूज पहले तय हो जाते हैं। समन भेजना नहीं होता है, दोनों पार्टीज प्रेजेंट होती हैं, और कोर्ट 6 महीने की बाद की डेट लगाता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है, और उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड करके डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि पिटीशन फाइल करने के बाद लड़का या लड़की 6 महीने बाद वाली डेट पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, हाजिरी नहीं होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब उनकी दोबारा से कंसेंट जो आनी चाहिए थी वो तो आ नहीं रही है, तो कैसे डाइवोर्स ग्रांट किया जाए। तो इसमें हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भाई एब्सेंट हो जाना से डाइवोर्स की डिग्री कैंसिल नहीं की जा सकती। आपको आना पड़ेगा कोर्ट में और बताना पड़ेगा कि भाई आप अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं और क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, और जो भी आपके पैसे का लेन देन है उसका कोर्ट हिसाब किताब करेगा। ये नहीं है कि आपने पैसे ले लिए और घर बैठ गए आप। तो अगर आप नहीं आते हैं इन सब के बावजूद, तो कोर्ट आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड करके म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है। ये बात अलग है कि ये बहुत कम केसेस में कोर्ट करता है, एक्सट्रीम केसेस में करता है, पर कोर्ट ने ये करना शुरू कर दिया है। अब दूसरा क्या होता है कि कंटेस्टेड डाइवोर्स में मान लीजिए हमने पिटीशन फाइल की, तो हस्बैंड ने मान लीजिए पिटीशन फाइल की ऑन एनी ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 13, और उसके बाद वाइफ को समन गए, या वाइस वर्सा, वाइफ ने पिटीशन फाइल की, हस्बैंड को समन गए और वो निश्चित तारीख पर हाजिर नहीं हुए। समन गए, प्रॉपरली उनको सर्व हुए, विद पिटीशन सर्व हुए, और उसके बावजूद वो निश्चित तारीख पर प्रेजेंट नहीं हुए, प्रेजेंट होकर उन्होंने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है, और नॉर्मली वो एक्स पार्टी प्रोसीड करती है। और एक्स पार्टी प्रोसीड होने के बाद आप अपना एविडेंस फाइल करेंगे और कोर्ट एक्स पार्टी डाइवोर्स ग्रांट कर देगा। एक्स पार्टी डाइवोर्स ग्रांट होने के 90 दिन तक आपको वेट करना है, क्योंकि उसमें अपील फाइल करने का टाइम 90 डेज है। 90 डेज के बाद अगर कोई भी अपील फाइल नहीं होती है तो आप रीमैरिज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दो बातें यहाँ पर तय होती हैं कि संबंध की तामील कैसे होती है, और एक्स पार्टी डाइवोर्स अगर हो जाए तो दूसरी पार्टी को क्या ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए, संबंध की तामील नॉर्मली फैमिली कोर्ट बाई पोस्ट भेजता है। बाई पोस्ट से उस पर अगर रिफ्यूज़ल लिख के आ जाए, रिफ्यूज़ टू रिसीव सम्मन, या सम्मन उन्होंने ले लिए, अपने साइन कर दिए, या कोई बहाना बना दिया कि साहब बार बार जाने पे ताला लगा मिलता है, हालांकि नोटिस रिसीवर को नोटिस आने का अनुमान है, तो ये ऐसे केस में कोर्ट सम्मन तामील मान लेता है। नॉर्मली ऐसे केसेस में कोर्ट 2 बार कम से कम सम्मन भेजता है, और उसके बाद भी अगर पॉसिबल नहीं होता है सम्मन की तामील हो पाना, तो पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करा के सम्मन की तामील कराई जाती है। इसके बावजूद अगर पार्टी नहीं आती है तो एक्स पार्टी प्रोसीड करके केस डिसाइड कर दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी वजह से एक्स पार्टी प्रोसीड हो गया और आपको बाद में पता चला और आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री भी हो गई, एक्स पार्टी प्रोसीड होके तो आप उसी मुकदमे के दौरान हाजिर हो जाएंगे और अपने पिछली डेट पे हाजिर ना होने का कारण एक्सप्लेन करेंगे कोर्ट को अलॉन्ग विद एन एफिडेविट, तो कोर्ट आपको वो ऑर्डर सेट असाइड कर देगा और आपको प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। परंतु मान लीजिए आप और ज़्यादा लेट हो गए और आप एक्स पार्टी सेट असाइड की एप्लीकेशन भी नहीं लगाई और कोर्ट ने आपके खिलाफ केस डिग्री कर दिया, तो अब आप उसी कोर्ट में एक मिसलेनियस केस फाइल करेंगे, जो मिसलेनियस केस में रजिस्टर होता है फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 CPC, और वही कोर्ट में आप ये अपना एफिडेविट फाइल करके रीजन बताएंगे कि किस वजह से आप अपॉइंटेड डेट पे कोर्ट में हाजिर होने में असमर्थ हो सके हुए। आपकी बीमारी हारी हो सकती है, आपके किसी परिवार के लोगों की बीमारी हारी हो सकती है, कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अगर कोई
बीमारी हारी की बात है तो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसमें फाइल करना चाहिए। तो अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है तो वो दूसरी पार्टी को सम्मन भेज देगा और उसको बुलाएगा और उसका ऑब्जेक्शन सुनेगा। अगर आप रीजनेबल ग्राउंड लगेगा तो आपके केस को एक्स पार्टी डिग्री को सेटिस्फाइड कर देगा और आपका केस दोबारा से सुना जाएगा। ये एक्स पार्टी सेटिस्फाइड का केस आपको केस डिग्री होने के 30 डेज के अंदर या डिग्री होने की नॉलेज होने के 30 डेज के अंदर फाइल करना होगा। नॉलेज, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉलेज किस चीज से हुआ, सोर्स ऑफ नॉलेज आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और इस वजह से आपको 30 डेज से ज़्यादा भी समय मिल जाता है कई बार। लेकिन मान लीजिए आप वो सोर्स ऑफ नॉलेज और उससे भी 30 डेज बियॉन्ड हो गए तो आपको सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, और उसमें एक रीज़न ये देना पड़ेगा कि भाई मैं लेट आने का मेरा क्या कारण था, पहले तो उस डेट पे ना आने का क्या कारण था। और सेक्शन 5 में एक और केस दर्ज होगा और उस केस में आपको देर से आने का रीज़न बताना पड़ेगा और कोर्ट उस पर भी समन भेजेगा दूसरी पार्टी को और दोनों पार्टी के आर्गूमेंट सुनने के बाद आपको अलाउ, आपकी एप्लीकेशन को अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा। तो मित्रों ये एक्स पार्टी या एक तरफा डाइवोर्स लेने के तरीके हैं और उससे बचने के ये उपाय हैं। लॉयर होने के नाते हम तो दोनों तरफ से कंटेस्ट करते हैं, हमें दोनों तरफ के मेथड बताने चाहिए आपको। थैंक यू सो मच।